नमस्कार, मैं वैद्यराज अनिल आज आपको एक मंजन के बारे में बताऊंगा जो हमने अपने खुद के लिए ईजाद किया था। और ये जो मंजन है, इस मंजन का नाम जो है ये सफ़ेद रंग का दंत मंजन है। जैसे ज़्यादातर जो है लाल रंग के दंत मंजन होते हैं, ये टोटली हर्बल और नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और ये जो मंजन है इसका नाम हमने रखा हुआ है डायनासोर टीथ। अब वो डायनासोर टीथ नाम इसलिए रखा हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म का नॉनवेज नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये डायनासोर टीथ भी एक कहानी है कि ये हमने क्यों नाम रखा हुआ है। ये बेसिकली इसलिए नाम रखा हुआ है कि डायनासोर एक वाहिद क्रीचर था हिस्टोरिकली स्पीकिंग, कि जो क्या कहते हैं कि अब जैसे आदमी जब किसी की पूरी उम्र करके जो है इंसान की जो है जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे वो फूल चुगने जाते हैं ना हिंदू लोग, तो फूल जब चुगते हैं तो उसमें से क्या कहते हैं कि रेयरली आप किसी के देखोगे नहीं आज के ज़माने में कि अंदर उसके दांत भी निकले हों। उसका रीज़न क्या है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले सबके दांत जो थे वो गिर चुके होते हैं। तो डायनासोर एक ऐसा क्रीचर रहा है जो हजारों 50,000 साल जीवित रहने के बावजूद जब उसकी जो है ये मुंह की हड्डियां निकली तो उसके साथ दांत भी निकले। तो इसका मतलब ये है कि जो कि उसके जो गम्स हैं वो इतने मजबूत थे कि उन्होंने उसके इतने सालों तक जो है यूज होने के बाद भी जो है उन्होंने उसके टीथ को, दांतों को छोड़ा नहीं। तो इसलिए नाम रखा है डायनासोर टीथ, यानी आपके जो गम्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो आपकी टीथ को पकड़ के रखेंगे। तो ये इसलिए हमारे मंजन का, एक तो वैद्यराज अनिल नाम है मंजन का और बनाया है, और हमने वैसे ही उसको नाम रखा हुआ है डायनासोर टीथ। इसीलिए आपके साथ ये डायनासोर भी रखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, और ये भी याद रहे कि ये नाम क्यों रखा गया है डायनासोर टीथ। लोग बड़े सोचते हैं, और ये हम बहुत सालों से हम लोगों को दे रहे हैं, और एक तरीके का ये कल्ट ब्रांड है। कल्ट ब्रांड इन द सेंस कि अगर इसको पाने के लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो मीलों चलकर आते हैं इसको लेने के लिए। ये कल्ट ब्रांड माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि हमारी पब्लिसिटी इतनी नहीं है, लेकिन इसको कल्ट ब्रांड कहते हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। जैसे हार्ली डेविडसन है, ये कल्ट ब्रांड है, इसका एक क्लब है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं उसको पसंद करते हैं उस ब्रांड को, तो वो एक कल्ट बन जाता है। तो इसी तरह से डायनासोर मंजन इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो एक बड़े पक्के हैं कि हमने यही इस्तेमाल करना है वैद्यराज अनिल का। तो बेसिकली क्या है कि इस मंजन की खासियत क्या है कोई अगर पूछता है, देखो आफ्टर ऑल मंजन कोई बहुत बड़ी दवाई तो है नहीं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल जो है अंदर से जो है ख़त्म हो चुके हैं, तो ये उसको ठीक नहीं कर सकता, ये आपको पहले ध्यान में रखना है। हाँ, आपकी डेंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट है उसको पोस्टपोन करवा सकता है किसी हद तक, लेकिन अगर वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है तो वो ये नहीं है कि हमेशा जो है वो ठीक रहेगी। ठीक है जी, तो जो चीज़ ख़राब, हाँ ये प्रोटेक्ट कर सकता है किसी हद तक, और जितने ओरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, ये मैं दावे से कहता हूं कि इस अगर किसी ने ये कर लिया तो उसके बाद वो दूसरे प्रोडक्ट जो है उसको पसंद नहीं आएंगे। वो जितनी भी उसकी उम्र होगी वो ये कहेगा कि भैया इससे पहले जो भी मैंने किया है, चाहे टूथपेस्ट हो, मंजन हो, माउथवॉश हो या कुछ भी हो, है वो सब का सब जो है वो बेसिकली बेकार था एज कम्पेयर। इसमें कोई हमने कोई गुल टाइप का मंजन नहीं है कि कोई नशा डाला हुआ है। इसकी जो खूबसूरती है, जो इसके एक्सपीरियंस है, वो इतना बढ़िया होगा हर लिहाज में कि आप खुद ही कहोगे कि यार इससे, ये वाला ओरल प्रोडक्ट अगर मेरी उम्र 50 साल है तो मैंने इससे बेटर नहीं किया, अब मुझे यही चाहिए। इतनी खूबसूरती है और इतनी फक्र है हमारे को हमारे इस मंजन पर। नाम क्या है? डायनासोर टीथ। ठीक है जी, अब इसमें क्या सिस्टम है कि भाई बेसिकली ये क्या करता है, कैसे करता है? देखो ऐसा है कि जो जैसे मुंह की बदबू होती है, दुर्गंध होती है, ये दुर्गंध जो है जो आपके इस मुंह के अंदर की दुर्गंध है उसको तो ये दूर कर देगा, ठीक है, लेकिन जो दुर्गंध आपके पेट में से आ रही है, गट में से आ रही है, उसको ये ठीक नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ जो है 5-10% लोगों की होती है। उसके लिए फिर हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये गट्सी नाभी ड्रॉप्स।
अगर वो यूज करेंगे तो जो दुर्गंध हमारे मंजन से भी नहीं जा सकती, वो मंजन के इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल से जो है वो दुर्गंध जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी। क्यों? वो आपका गट को ठीक करेगा और गट जैसे ही ठीक होगा तो आपकी वो जो नीचे से दुर्गंध आ रही है उसको ये खत्म करता है। ये इसका करने का इसका कुछ नहीं है, आपने क्या कहते हैं कि 3 बूंदें 1 गिलास पानी में रात को सोने से पहले डालकर पीनी है, पूरा ग्लास पानी, ठीक है। और ये कंटिन्यू करना है, आप खुद ब खुद देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाभि करनी है, नाभि मतलब सीधा लेट जाइए, 4 बूंदें नाभि में डालकर 15 मिनट के बाद उसको पड़े रहने दीजिए पानी को, और थोड़ा सा जो है नाभि में 15 मिनट के पश्चात जो है थोड़ा सा उंगली से उसको मसाज किया अंदर पानी को जो पड़ा हुआ है 15 मिनट से, और उसके बाद उसको आसपास नाभि के मल दिया उसी पानी को, और फिर 3 बूंदें डालकर पीकर सो गए, जो अलग से फिर 3 बूंदें डालकर। तो ये जो है ये आपका जो अंदरूनी जो दुर्गंध है नीचे से आती है उसको ये दूर कर देगा, और ये वाहिद अकेला प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में जो कर सकता है गट्सी नाभि ड्रॉप्स। तो ये तो हो गई वो आपकी दुर्गंध की बात, यानी कि वो 95% केसेस में जो सिर्फ मुंह में आती है वो हमारा मंजन अकेला कर सकता है डायनासोर टीथ, और ये पहले पाउच में मिला करता था, अब ये पाउच जो है हमने बंद कर दिया हुआ है, फिर कभी शुरू करेंगे, ठीक है। और ये अब इस तरह की पैकिंग में मिलता है, पैकिंग तो चेंज होती रहती है, बस नाम याद रखिए वैद्यराज अनिल का डायनासोर टीथ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये हमारा एक छोटा सा गांव है लेक्सिंगटन कंटकी में, और वहां पर एक आदमी हमसे ये खुला मंजन मंगाता है और उसके ऊपर लिखता है सेकंड किस गारंटीड, यानी इतना जबरदस्त चीज है कि आप इस मंजन करके अगर किसी को किस भी करेंगे तो वो किस जो है दोबारा से रिपीट मांगेगा। तो इतनी जबरदस्त इसका हमारा ईश्वर की दया से कॉन्फिडेंस है और लोग कहते हैं। अब इसमें क्या सिस्टम होता है कि याद रखना, ये 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि ब्रश जो होता है उसको हम झाड़ू कहते हैं। एक्चुअली क्या होता था, 20-25-30 साल पहले जो ब्रश होता था उसके ब्रिसल्स जो है थे बड़े सख्त होते थे, और हम लोग बच्चे होते थे छोटे तो यूं यूं करके तेज मार के, दिल तो करता नहीं किसी को भी टूथपेस्ट करने का, तो वो कर वर के ही जाते थे। तो जैसे ही हम बड़े हुए तो हमारे यहाँ से पायरिया हो गया, यानी कि बहुत मतलब जो है खून वगैरह निकलना शुरू हो चुका, इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ तक कि ये था कि 1987 में जब हम अमेरिका पहुंचे पढ़ने के लिए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहां पर डेंटिस्ट को जब दिखाया तो डेंटिस्ट ने कहा कि 7-8-9 साल से ऊपर आपके दांत नहीं चल सकते, इतने बुरे दांत मैंने जिंदगी में नहीं देखे। और ये सब वो जो टॉफियां होती थी गोल गोल मीठी टॉफियां क्रिच क्रिच करके बंदा खाता था बच्चे, वो उल्टे सीधे और खाना, फिर उसके बाद जो है कोई ध्यान नहीं देना, फिर अलग से, फिर ये ब्रश, इसको मार मार के जो है पायरिया की ऐसी ये गम्स की हमने ऐसी तैसी कर दी थी। तो ये तो खैर नलायक बच्चे हमारे जैसे जो है वो तो ऐसे ही होगा, बाकी सारी दुनिया के साथ तो होता नहीं। लेकिन याद रखना कि जो ब्रश होता है ना ये एब्रेसिव होता है, चाहे वो मुलायम से मुलायम मिल जाए, बिल क्लिंटन का मिल जाए जो अमेरिका के अंदर बेस्ट बेस्ट बनता हो, जॉर्ज बुश का मिल जाए, वो उसके लिए भी जो है जैसे ही आप ब्रश को यूं करते हैं, डॉक्टर कहते हैं ब्रश को यूं कीजिए, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई अब ये करके देखिए ऐसे ऐसे करके ब्रश को, आप जो वो डॉक्टर लोग बताते हैं डेंटिस्ट लोग, आपके यहाँ पर आर्थराइटिस हो जाएगा, ये अननेचुरल है इस तरीके से करना। तो ब्रश तो ऐसे ही करना है, तो जब ऐसे करते हैं तो फिर ब्रिसल जो होते हैं वो चाहे बिल्कुल मुलायम ही क्यों ना हो, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए क्यों ना बने हो, वो भी एब्रेसिव हो जाते हैं और वो भी जो है आपको जो है मसूड़ों के लिए हानिकारक है। और याद रखना मसूड़े ही मेन है और कोई चीज मेन नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मैं आपकी अपनी कहानी बता रहा था कि वो इस मंजन को फिर मैंने ईजाद किया और इस मंजन की बदौलत 35 साल तक मेरे दांत बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद भाई देखिए जब मैंने ऐसी तैसी पूरी करवा ली थी तो ये तो है नहीं कि भी अब ये मंजन है आफ्टर ऑल, कोई ये तो है नहीं कि कोई कोई चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार थोड़ा ना कि जो सारी चीज़ें खत्म हो गई, उसको इसने 30 साल निकाल दिए। उसके बाद फिर मैंने कई किस्म के जो है ऑपरेशन मुझे करने पड़े, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग जो हैं ये बातें सुन लें और समझ लें, ताकि मेरे तो चलो 35 साल तो उनके कम से कम 50-60-100 साल निकल जाएं, ठीक है। इसलिए मैंने ये मंजन बनाया और अब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब बाकी जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पर लाइक करें और नीचे कमेंट करें, बहुत इसकी फॉलोइंग है, लोगों को भी कहेंगे कि आकर देखिए और इस पर बताइए कि कैसा हमारा मंजन रहा है।
अब इसमें क्या सिस्टम है कि ये आप ये सोचिए कि जैसे वो जो एक फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर था जिसने पाकीज़ा या मुगले आजम बनाई थी, वो तो एक वो मुगले आजम जो बनी है ये भी हमारी, समझ लीजिए ये मंजन हमारा मुगले आजम है। हमारे प्रोडक्ट जो हैं करीब 15 प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, यानी एक तो पकीज़ा बना के चला गया, यहाँ पर 15 पकीज़ा बना के रखी हुई हैं दुनिया के लिए, ठीक है। आप याद रखिएगा, बाकी मेरे वीडियोस देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें बनाता हूँ। अब इसमें करना क्या है कि याद रखना कि पहली बात तो ब्रश से कोई भी चीज, आपने टूथपेस्ट भी करनी है ना, तो आप बिना ब्रश के करो, उंगली से करो, ये मेरा कहना मान लो, मेरा मंजन करो ना करो आई डोंट केयर, ठीक है। आप उंगली से जो है अपना टूथ टूथ अगर पेस्ट ही करनी है, आपको मंजन नहीं पसंद है तो आप उंगली से ही करो। दूसरी चीज मेरी ये याद रखो कि जो है अपना रात को सोने से पहले आप टंग क्लीनर से अपने टंग को साफ करो, और सुबह उठने के बाद फिर से टंग क्लीनर से टंग को साफ करो। यानी अगर आप टूथपेस्ट भी करते हो, आपको नहीं पसंद कोई भी मंजन या कोई भी और चीज, तो उसको भी उंगली से कर कर फिर, और पहले टंग क्लीनर करो रात को सोने से पहले, फिर जो है वो टूथपेस्ट करो, उसको घुमाओ अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद सुबह जो है उठ के फिर से आप टंग क्लीन करो। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, ये जितने भी डेंटिस्ट हैं ये बता देंगे कि ब्रश को यूं यूं करो है, या वो अपना जो धागे से निकालते हैं उस तरीके से करो, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई आप टंग क्लीनर भी कर लो रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद। ये लाजमी है, ये लाजम है आप पे, हो गया क्लियर, ये मेरा कहना मान लो। दूसरा, जब भी कभी प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो आप क्या करो, एक ग्लास में 1 इंच पानी लो, उसमें 2-3 चुटकी जो है वो सेंधा नमक की डाल लीजिए, और उस पानी को मुंह में रखिए, और मुंह में रखकर जो है वो आपको शुरू में तो कड़वा लगेगा सेंधा नमक की वजह से, लेकिन उसको अगर आप मुंह में ही रखेंगे, हल्का हल्का घुमाते रहेंगे, तो वो 2-3-4 मिनट के अंदर मीठा हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे, बिल्कुल उसका कड़वापन चला जाएगा। वो आप अगर कर लो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है गम्स की, हफ्ते में एक बार तो आदत बना लो ये करने की, बच्चों की भी बना लो, सारी उम्र मेरी वाली हालत नहीं होगी, ठीक है। मैंने तो फिर भी इस मंजन की वजह से कर लिया, चलो मंजन वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर या मुसीबत, तो इसलिए पहले से ही मेरी बात को समझिए। तो ये तो हो गया कि ब्रश इज अ कंप्लीट नो नो, सेकेंड थिंग इज टंग क्लीनर बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ये दो चीजें प्लीज गांठ मान लो, करो चाहे कुछ भी। दूसरी बात क्या है कि मंजन वो लो जो एब्रेसिव नहीं है, जिसमें मोटा मोटा कोई छीलने वाली चीज ना हो, जैसे हमारा ये सफेद दंत मंजन है, ये बिल्कुल मुलायम है। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब मंजन करो तो कभी भी मसूड़ों पे, चाहे आपके हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, आप मसूड़ों पे बड़े प्रेम से करो, सॉफ्टली करो, क्योंकि मसूड़े जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, हमें उन्हें कोमल रखना है, हो गया क्लियर। तो वो जो है उसको अच्छी तरीके से मसूड़ों को कोमले करो, और दांतों को तो चाहे तेज कर सकते हो आप, हो गया क्लियर। तो उसके बाद फिर आप जो है, ये मैंने आपको तरीका बताया कि एक तो मोटा ना हो, और करने का तरीका क्या है, हम इसको 1 मिनट मैजिक भी कहते हैं इस डायनासोर टीथ को। वो 1 मिनट मैजिक का मतलब क्या है वो बता देता हूं। आप इतना 1 चुटकी 2 चुटकी, ये ज्यादा मंजन नहीं लेना पड़ता, इसलिए चाहे महंगा भी हो तो ये बहुत देर तक चलता है। तो आप रात को जो है अपना, आपने पहले टंग क्लीनर किया, उसके टंग का वो साफ किया, अपनी जुबान को साफ किया, उसके बाद 1-2 चुटकी जो है बस वो आपने मंजन लिया, और उंगली गीली की, ये किया तो ये चिपक गई आपके मंजन। उसके बाद मसूड़ों को स्लो सॉफ्टली, और दांतों को तेज अंदर बार अच्छी तरीके से मंजन किया। आजकल मंजन कराना भी जो है समझाना पड़ता है, इसलिए आप लोगों जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मंजन भी सिखाना पड़ता है आजकल। तो ये अच्छी तरीके से मंजन किया अंदर बार, उसके बाद पानी मुंह में लिया, ये टंग क्लीनर के बाद है, पानी मुंह में लिया और उस मंजन लगा हुआ है और पानी मुंह में लिया और ऐसे पानी घुमाया कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा घुमाओगे तो और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इतनी पेशेंस किसी के पास नहीं होती, 1 मिनट बहुत है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से पूरा मंजन करके फिर उसके बाद पानी मुंह में लेकर 1 मिनट पानी घुमाया, उसके बाद उसको कुल्ला किया, फिर साफ पानी से 2-3 बार कुल्ला कर दिया, आपका काम। ये आपने अगर रात को टंग क्लीनर करने के बाद
जुबान को साफ करने के बाद ये एक मिनट मैजिक वाला यानी एक मिनट घुमाना करके, एक मिनट घुमाना फिर पानी, एक मिनट घुमाने के पश्चात बाहर निकाल देना, फिर साफ पानी से कुल्ला कर लेना। ये अगर आपने किया तो याद रखना आप पहली बार में ही कहेंगे कि वाकई मंजन जो है ऐसा ओरल प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ ये कल्ट ब्रांड है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या किया कि सुबह जब आप उठे तो आपने क्या करना है, फिर से टंग क्लीनर से टंग को साफ करना है जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद आपने पानी मुंह में लेना है और उंगली से ही जैसे जैसे मारोगे तो आप याद रखोगे कि जो डायनासोर टीथ मंजन मेरा वैद्यराज अनिल का जो आपने रात को किया है उसकी फ्रेशनेस सुबह अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी सिर्फ पानी घुमाने से, उंगली से मारने से और बाकी टंग क्लीनर पहले करने से। ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने मंजन किया और फिर एक मिनट के लिए पानी मुंह में घुमाया और फिर कुल्ला करके, साफ पानी से कुल्ला करके चले गए दफ्तर या कोई भी काम पे, सारा दिन आप सेफ है। ये तरीका है डायनासोर टीथ मंजन करने का। अब इसमें क्या कहते हैं कि क्या सिस्टम है कि भाई अगर लेटर से कि भाई आप ये साथ में अपने घर में या ऑफिस में लेके जाते हो तो ऑफिस के अंदर क्या करो कि कभी मीटिंग होती है तब उंगली करने की भी जरूरत नहीं, आपने लंच किया, लंच करके एक चुटकी सीधा अपने जुबान पे डाल ली और पानी मुंह में लेकर एक मिनट घुमा लिया, आप समझ गए, उसके बाद कुल्ला कर दिया। आप उसके बाद कहीं मीटिंग में चले जाओ, क्लोज किसी के साथ बैठ लो, वो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस पर्सन को भी कोई बुरा, मतलब वो कहेगा कमा कि भाई इतनी जबरदस्त, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कोई सफाई ऐसी होगी, ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ कोई वहां पर खुशबूदार है ना, सफाई ऐसी होगी कि भाई आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी आपने 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 जो है उंगली भी नहीं की, आपने उंगली भी नहीं लगाई और क्या कहते हैं कि आपका काम हो गया, हो गया क्लियर। अच्छा, अब यानी ये ड्राई माउथ वॉश भी है। ये दुनिया भर के अमेरिका के जो माउथ वॉश इतने कड़वे कड़वे बनते हैं लिस्ट्रीन जैसे, ये सब अल्कोहल होता है, ये केमिकल्स की चीजें नहीं करने की। ये टूथपेस्ट में भी बड़ा केमिकल होता है। ये जो आजकल नए नए टूथपेस्ट आ गए हैं, जैसे मैं नाम बुरा लगता है लेकिन थर्मोसील और भी कई किस्म के बन गए हैं कि ये सेंसिटिव टीथ जो ठंडा गर्म है उसको दूर करेगा। ये सब सोच लो कि आम जो केमिकल वाली टूथपेस्ट अगर उसका केमिकल हानिकारक है तो इमेजिन करो कि इनका केमिकल कितना, सेंसोडाइन या कोई भी हो, इनका केमिकल कितना खतरनाक होगा। तो काइंडली चाहे जितने मर्जी इश्तिहार आ जाएं इनसे दूर रहो। मुझे बड़े से बड़े हिंदुस्तान के रिटेलर ने कहा हुआ है, वो मेरे मंजन बहुत पसंद करते थे, वो कहते जी ये डायनासोर टीथ जो है इसको आप टूथपेस्ट में कन्वर्ट कर दो तो हम न जाने कितना बेच देंगे। तो मैंने उसको कहा कि मैं मरते दम तक और उसके बाद भी हमारे घर वाले कभी भी इसको टूथपेस्ट नहीं बनाएंगे। उसका कारण क्या है, तब जो है वो जिस अकड़ से मैं बोल रहा हूं कि ये नंबर वन प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में ओरल प्रोडक्ट, तो इस अकड़ से नहीं बोल पाऊंगा। उसका रीजन क्या है, कोई भी जड़ी बूटी जो होती है वो वैसे के वैसे किसी भी टूथपेस्ट में नहीं आ सकती, उसका सत आ सकता है और सत कई बारी केमिकल बेस्ड होता है और इसके कारण जो है ये जितने भी हर्बल टूथपेस्ट होते हैं वो भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो मंजन है, मंजन रहेगा और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है टूथपेस्ट करना भुला दे, यानी कि इस मंजन में ये वो ताकत है हमारे आयुर्वेद में, हमारी जो है बस कोई बनाने वाला तो बने कोई अच्छा, तो वो जो है वो है कि ये आपको टूथपेस्ट करना भुला देगा और जिस तरीके से बोला है उस तरीके से कीजिए। और ये हो गया। हाँ, अगर किसी के दांत है ही नहीं, वो भी अगर दो चुटकी, एक चुटकी जो है, एक चुटकी अपने मुंह में डालकर पानी मुंह में अच्छी तरीके से घुमाए, एक मिनट, सवा मिनट, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, वो तो इतने मसूड़े स्ट्रांग हो जाएंगे कि कई बारी तो रोटी भी जो है वो उसी से ही वो चबा के खा सकते, मतलब इतनी इसकी पावर है। और बाकी क्या कहते हैं कि चाहे वो, हाँ, पायरिया में तो बिल्कुल भी मसूड़ों को तेज नहीं रगड़ना क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी इसकी जड़ी बूटियां उसको हील कर देंगी धीरे धीरे, आप हैरान हो जाओगे कि अच्छा। अच्छा, मजे की बात है कि पायरिया में तो आप ऐसा करो कि भाई उंगली भी से भी मंजन करो, आप क्या करो दो चुटकी सीधा मुंह में डालकर उसको पानी घुमाया करो, आप हैरान हो जाओगे कि दांतों में अंदर जो भी फंसा होगा वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसकी फिटकरी की भस्म इस तरीके की है, ठीक है ना। तो वो यानी और कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपका पायरिया सारा जो है वो भी हील हो गया,
जड़ी बूटियां, माजू फल है, शीतल चीनी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, भीमशनी कपूर है, तो मतलब वो हमारा एक खास फॉर्मूला है, बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो वो जो है आप देखोगे वो ठीक, जब ठीक हो गया फिर उसके बाद उंगली करो, लेकिन उंगली करो तो गम्स पे हल्के हल्के कोमल तरीके से करो। बाकी ये है कि भाई कई लोगों को तो ये हुआ, अच्छा पेन, अगर बहुत पेन होती है तो थोड़ी सी 2-3 चुटकी लेकर वहां पर रख दीजिए, वो अपने आप थूक से धीरे धीरे पानी बन जाएगा, फिर हल्के से गुनगुने पानी के साथ घुमाकर उसको कुल्ला कर दीजिए, उससे भी कई बारी पेन रुक जाती है। लेकिन ये नहीं है कि ये कोई पेन किलर है, लेकिन ये है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जो अगर किसी की गहन प्रॉब्लम होगी हाँ, तो फिर तो डेंटिस्ट के पास उसको निकलवाना या ठीक करवाना पड़ेगा ही। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर जो डेली का ओरल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, चाहे वो दुनिया में कोई टूथपेस्ट हो, कोई मंजन हो, हमसे बढ़िया नहीं मिल सकता। डायनासोर टीथ, डायनासोर टीथ, ठीक है, वैद्यराज अनिल का डायनासोर टीथ। तो ये याद रखिएगा कि एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे आप सारे, कई लोग तो कहते हैं थोड़ा सा महंगा होता है तो इसको जब जरूरत पड़ती है तो तब करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जब दांत निकल के नए लग जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, वहां तक पहुंचे ना आपकी मुसीबत है, तो उसके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और टूथ केमिकल बेस्ड कोई चीज से दूर रहिए, ब्रश से दूर रहिए, और कोई माउथ वॉश ये जो आते हैं अमेरिका से चाची मामी लाती है, ये सब बेकार है। आप अपने आप ही देखोगे ना कि आज ये ड्राई माउथ वॉश, यानी कि आपने 2 चुटकी डालकर मुंह में सिर्फ घुमा ही लिया और कुल्ला करके साफ पानी से 2 बार कुल्ला किया, तो आप कहोगे इससे बढ़िया तो ये लिस्ट्रीन, क्या लिस्ट्रीन के मतलब बड़े से बड़े कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आप एक बार जो है हमारा डायनासोर टीथ जो है वो इस्तेमाल कीजिए, ये ओरल के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप पहली बार में ही बोलेंगे कि कमाल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैं बताना चाहता था, और असल में कई चीजें मैं पहले आगे पीछे कर लेता हूं, तो जो भी है उसको नोट करके रखा करो मेरी बात को, ठीक है। नमस्कार।